सेना से खबर, जहां दो गुटों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं। सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों में विवाद हो गया, दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें चार युवक घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि स्टेडियम में दौड़ने को लेकर ये विवाद युवकों के बीच में शुरू हुआ था, जो कि इतना बढ़ गया कि आपस में ही ये भिड़ गए। देखिए, ये वो युवा हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सेना भर्ती, जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आप देखिए किस तरह से केवल मैदान में दौड़ने की बात को लेकर, मामूली सी बात को लेकर ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। उमेश पारा सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ जानकारी, कितने युवक घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जय, मैं आपको बता दूं, अभी तक इसमें चार युवक घायल हैं और इनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और ये जो पूरा विवाद था वो भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में रोजाना की तरह ही जो युवक थे वो सेना की तैयारी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उसी बीच दो दिन पहले इन दोनों युवकों में विवाद हो गया था। और आज राजीनामा के लिए ये दोनों युवक स्टेडियम में आए थे और उनके साथ काफी संख्या में युवक भी आए थे, उसी को लेकर एक बार फिर इनमें कासुनी हो गई और दोनों ही तरफ से जो युवक आए थे उनमें आपस में जमकर लाठी डंडे चले और लगभग चार फायरिंग भी इस मामले में पूरे में हुए हैं। अभी पुलिस के द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, रेड्डी कोतवाली थाना क्षेत्र के भीमराव अंबेडकर जो स्टेडियम है उसका मामला है और जमकर लगभग 50 से अधिक युवक ऐसे थे जिनमें लाठी डंडे जमकर चले। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जया, शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। तो दो गुटों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया, लाठी डंडे चल गए। देखिए आप, ये वो युवक जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चार युवक इस घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।